यूपी के डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने भी जी न्यूज से खास बातचीत की है, वो भी हम आपको लगातार सुनवाएंगे। उन्होंने विशाल पांडे से जब खास बातचीत की तो किस बड़ी बात का जिक्र किया, एक बड़ा बयान है वो। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर डेप्यूटी सीएम का बड़ा बयान आया सामने। मुझे भी शक है कि महंत जी ने खुदकुशी की, शक है केशव प्रसाद मौर्य को। ये बड़ा बयान सामने आया है महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर। इस वक्त हमारे साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो कि महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। केशव जी, आप कल भी मौजूद रहे, आज अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, आपका बहुत विशेष लगाव था महंत नरेंद्र गिरी के साथ अंतिम यात्रा में उन्हें? देखिए, बस आंसू बहाना से महाराज जी का इस प्रकार से जाने की, कोई देखिए जो आया है वो जाएगा, लेकिन प्रकार से जाने का समाचार सुनकर के ही मैं ही नहीं, उनके लाखों जो भक्त हैं, प्रयागवासी, प्रदेशवासी, देशवासी, संत समाज सभी दुखी हैं और इसकी जांच चल रही है और जांच के माध्यम से जो भी इसके अपराधी होंगे उनको खोज निकाला जाएगा, उनको पकड़ लिया जाएगा। और पूज्य महाराज जी को अभी संगम में जाके स्नान कराने के बाद यहाँ भू समाधि दी जाए। केशव जी, हत्या या आत्महत्या, कई साधु संत इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं, सरकार से न्याय की मांग। हमें भी है कि महाराज जी इस तरह कर नहीं सकते, लेकिन जांच चल रही है, जांच ना प्रभावित हो, इसलिए जांच के मुद्दे पर कोई सवाल और कोई जवाब देना उचित समय नहीं है इसका। लेकिन ये भरोसा जरूर हम जी न्यूज के माध्यम से प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को दिलाना चाहते हैं, सही जांच होगी, जो दोषी होंगे उनको पकड़ लिया जाएगा और इस प्रकार की घटना भविष्य में जो आवश्यक कदम उठाना है अखाड़ा परिषद नहीं करेगा, उसके हिसाब से सरकार कदम उठाएगी। एक अंतिम सवाल आपसे, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं साधु संतों को, क्योंकि लगातार क्या न्याय मिल पाएगा, जिस तरह से सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं आनंद गिरी को लेकर, या न्याय 200% मिलेगा और न्याय दिलाना ही हमारी जिम्मेदारी है और वो दिला करके ही दम लेंगे। तो जी न्यूज से खास बातचीत हुई है, महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर डिप्टी सीएम ने जी न्यूज पर बड़ा बयान दिया कि उनको भी शक है कि महंत जी ने खुदकुशी की है। जिस बात का उन्होंने जिक्र किया, जो बयान उनका बड़ा सामने आया है, वो हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं। बहरहाल, जो श्रीमद बाघंबरी गद्दी है उसके बाहर की तस्वीर आपके सामने है। अब से कुछ ही देर के बाद महंत जी का संगम स्नान होगा, वहां पर ले जाया जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को और भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित की जा रही है। परम पूज्य नरेंद्र गिरी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और तमाम जो उनका अनुसरण किया करते थे, जो उनके शिष्य हैं, तमाम लोग वहां पर एकत्रित हैं। इस वक्त प्रयागराज की तस्वीरें आपके सामने, अब से कुछ देर पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको सौंपा जा चुका है एसएसपी को और साथ ही साथ एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है मामले की, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है इस पूरे मामले की, जो पीएम आज किया गया, आज सुबह 5 डॉक्टर्स के पैनल ने उस पोस्टमार्टम को किया, उसकी रिपोर्ट को फिर सौंपा गया। इसके अलावा ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, बाघंबरी गद्दी के बाहर की तस्वीर आपके सामने, जहां से इस वक्त एक्सक्लूसिव जी न्यूज आपको तस्वीर दिखा रहा है। बड़ा हुजूम है यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का, जो उनका अनुसरण करते हैं, जो उनके अलग अलग मठ से भी यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और जो पार्थिव शरीर है वो मठ से संगम स्नान के लिए रवाना होता हुआ, ये तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.